गाइज वेलकम। सो आज के वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है एंड काफ़ी सीरियस टॉपिक पे आज हम बात करने वाले हैं रिलेटेड टू JKSSB क्लास 4 एग्जाम। गाइज मॉर्निंग से आपने हमारे एक दो यूट्यूब चैनल्स हैं जैन के, आपने ज़रूर वो वीडियो ज़रूर वॉच की होंगी। लाइक एक एलिगेशन डैट समवन इज़ डिमांडिंग मनी 3.5 लाख रुपीज़ फॉर सिलेक्शन इन फॉर फीमेल्स एंड 4 लाख फॉर मेल्स इन JKSSB क्लास 4 एग्जाम। नाउ इस जो ये इशू है पूरा, आज हम इस चीज़ पे पूरी डिस्कस करेंगे। एंड अब आप सोचेंगे कि सर आपको इसके बारे में सारी डिटेल कैसे, बिकॉज जो ये सारा जो माजरा ये हुआ है एंड जिस पर्सन ने ये चीज़ कही है, जो शेयर किया है, आई नो हर पर्सनली। एंड ड्यूरिंग द डे जब वो कंप्लेंट की गई थी एट CBI ऑफिस, आई वॉज देयर। एंड सारी चीज़ें मैं आपको सर यहाँ पूरी एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि आखिरकार ये मसला है क्या एंड अब इसका सोल्यूशन क्या है एंड इसके पीछे क्या सिस्टम क्या है एंड इसके पीछे आखिरकार रिस्पॉन्सिबल कौन है। गाइज देखो, JKSSB क्लास 4 एग्ज़ाम आप लोग जानते हो 1 मार्च को हो चुका था ख़त्म। एंड अब रिज़ल्ट 3 महीने लगभग हो चुके एंड रिज़ल्ट नहीं आया। अब रिज़ल्ट डिले होने का, एक तो वो जो आपने प्रेफरेंस भरनी थी वो तो अभी 2 मई को ही डेट ख़त्म हुई है। देन उसके बाद पैंडमिक तो था ही था, बट पैंडमिक तो एक बहाना है। बाकी एज़ कम्पेयर टू अदर एग्जाम अगर हम बात करें तो उनके रिजल्ट्स एंड सिलेक्शन लिस्ट एंड ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो रहा है। पैंडमिक इज़ नॉट एन इशू, देर आर सम अदर रीजन्स। अब नाउ बात करते हैं आखिरकार ये माजरा हुआ क्या। द गर्ल जिसकी हम बात करने जा रहे हैं, जो आपने वीडियो ज़रूर देखा होगा, अगर नहीं देखा तो मैं आप उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग भी सुन सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर करूँगा, फेसबुक पर आपको वो मिल जाएगा। सो सबसे पहले हुआ क्या एट डैट डे, उसे हुआ गया पहले उनकी किसी के साथ बात हुई कि देर आर सम पर्सन्स इन लाइक हर लोकेलिटी जो पे कर रहे थे 4 लाख रुपए टू समवन, जो मतलब 4 लाख रुपए डिमांड कर रहा था कि सिलेक्शन करवाएगा मेल्स के लिए 4 लाख एंड गर्ल्स के लिए 3.5 लाख रुपए। तो जो हमारी एस्पिरेंट थी, हमारी वन ऑफ द सब्सक्राइबर, इसके अपने स्कोर थे 62 स्कोर थे एंड RBA कैटेगरी था। एंड आप लोग जानते हो मेरिट इतना ही जाने, RBA अगर कैटेगरी हो तो फॉर श्योर 90% चांसेस हैं कि उसका इजीली सिलेक्शन हो जाना था। तो उसको ये चीज़ पता चली कि देर इज समवन जो ये चीज़ कर रहा, डिमांड कर रहा है कि 3.5 लाख रुपए आपसे लेगा मेल्स में, फीमेल्स से 3.5 लाख रुपए, 4 लाख रुपए लेगा मेल से आपकी सिलेक्शन करवाएगा इन डोडा डिस्ट्रिक्ट। तो सबसे बड़ी बात आप मुझे एक बताइए, उस गर्ल के दिमाग में एक चीज़ तो आई, बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, जब करप्शन होगा, जब आप करप्शन कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है जो जो बच्चा डिजर्व करता होगा उसका सिलेक्शन तो पीछे हो जाएगा। अगर आप कोई करप्टेड बच्चा अपने पैसे देके अपनी लिस्ट में RBA में या व्हाटएवर ओपन में अपना नाम फिक्स करवा लेगा तो फॉर श्योर एक बच्चे की सिलेक्शन तो कम ही होने वाली है जो डिजर्विंग होगा। अब हमें क्या पता कि एक बच्चा पैसा दे रहा है उस जगह या कितने बच्चे पैसे दे रहे हैं। तो उसके दिमाग में ये थॉट था कि ये चीज़ तो गलत हो रही है एंड सीरियसली आई सल्यूट हर कि आजकल अगर इसकी जगह कोई मेल भी होता मुझे नहीं लगता कोई सामने आता एंड इवन उसने ये स्टेप उठाया। एंड अब उसके बाद पूरी आगे सुनिए, पहले हुआ गया, अब उसके बाद जब उसको पता चला कि उनसे उनकी बात हुई कि हाँ आप लोग आप 3.5 लाख रुपए दे दीजिए एंड आपका सिलेक्शन फॉर श्योर हो जाएगा। तो बाकी उसने उससे एडमिट कार्ड उसने बात की, बट द मेन मोटिव बिहाइंड इज कि नॉट कि वो अपना सिलेक्शन करवाना चाहती थी। ऑल दो आप लोग ये चीज़ खुद सोचिए, जिसके 62 मार्क्स हों एंड और RBA कैटेगरी भी हो एंड एग्जाम लेवल तो आप लोग जानते ही हो, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई पागल ही होगा जो बोलेगा कि नहीं, जो मतलब इस चीज़ में इन्वॉल्व होगा एंड इतनी सारी चीज़ें इतना बड़ा स्टेप उठाया जो आगे मैं आपको बताने वाला हूँ। तो उसने बोला कि हाँ कोई बात नहीं, आप सिलेक्शन मैं चाहती हूँ, आई वॉन्ट की सिलेक्शन, आप मुझे पूरा प्रोसेस बताइए कि क्या प्रोसेस है एंड कौन लोग हैं जो आपका सिलेक्शन मेरा सिलेक्शन करवाएंगे। एंड उसने ये बात कही कि कुछ मेंबर्स रहते हैं हमारे एंड उसने कहा कि हाँ खालिद जहांगीर जी काफ़ी स्ट्रिक्ट ने, अभी हालांकि खालिद जहांगीर जी की ट्रांसफ़र भी हो गई है, वो काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं। एंड उस पर्सन ने ये कहा था कि नहीं देखो खालिद जहांगीर जी ये चीज़ नहीं करेंगे, अदर बोर्ड मेंबर्स भी होते हैं, तो एक मेंबर है 17 मेंबर्स का एक कमेटी है तो हमारा ये प्रोसेस रहता है। एंड उसने उससे एक दिन का टाइम भी मांगा कि हाँ एक दिन मुझे दो, मैं आपको कल तक बता देता हूँ कि अवेलेबल है सीट या नहीं। सो अर्ली मॉर्निंग कॉल आया कि हाँ आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आप 3.5 लाख रुपए रेडी रखिए। सो इसका मेन मोटिव बिहाइंड था कि यार ये चीज़ अगर हो रही है तो दिस थिंग मस्ट बी स्टॉप्ड, क्योंकि अगर आज कोई नहीं स्टेप उठाएगा,
अगर आज नहीं स्टेप उठाएगा तो ये चीजें तो कंटिन्यू चलेंगी। आज यहाँ पे हो रही है, उसके सामने तो ये केस आया, बाकी जम्मू में लगा लो, पुंछ में, सारे डिस्ट्रिक्ट्स में, कहाँ कहाँ कुछ ना कुछ तो हो ही रहा होगा बैकडोर एंट्रीज। सो इसने कहा चलो ठीक है, आई एम रेडी टू पे। एंड जो डेट सेट हुई वो तो जल्दबाजी में था, वो तो था जो भी था, आई डोंट नो कि वो एक्चुअल में उसका किसी के साथ लिंक था, या फिर कई लोग, आप लोग जानते हो, कोई फ्रॉड भी करते हैं, लाइक 5-6 लोगों से पैसा ले लिया, एक आधे का सिलेक्शन भी हो गया तो चलो इतना पैसा तो आ ही गया, वो सेफ एंड पे चले जाते हैं, बाकी रिटर्न कर देते। इस मैटर में मुझे नहीं पता क्या चीज़ थी, बट ये चीज़ आप सुनिए आगे। अब क्या होता है कि ठीक है, उसने कहा कि ठीक है आई एम रेडी टू पे, एंड कुछ टाइम की मोहलत मांगी। सो अब क्या हुआ कि लाइक ये गर्ल, लाइक इसने सोचा कि अब क्या किया जाए। अगर वो देखो, अब एक चीज़ तो नॉर्मल सी बात है, ऑब्वियस सी बात है, उसने JKSSB, अब JKSSB वालों तो नोटिस तो निकालते ही हैं कि अगर कोई करप्शन कर रहा है या कुछ भी है, आप हमारे, आपको कोई डिमांड कर रहा है मनी, तो आप JKSSB ऑफिस आइए। आप लोग एक कॉमन सी चीज़ बताइए, अगर मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर पुलिस स्टेशन में ही कोई करप्ट होगा तो आप पुलिस स्टेशन में ही जाके पुलिस स्टेशन की रिपोर्ट लिखाएंगे, तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ उतनी इंक्वायरी नहीं होगी, ये चीज़ आप लोग भी जानते हो। तो उसके दिमाग में यही था कि अगर आप JKSSB में ही जाके ऑफिस, अगर हालांकि अगर ये चीज़ सच हो, JKSSB का कोई ही टीम मेंबर अगर इसमें इन्वॉल्व हो, आई डोंट नो कि ये चीज़ कैसे सच है झूठ है जो भी है, अगर कोई इन्वॉल्व हो तो मैंने एग्जांपल आपको बताया कि उस केस पे वो इंक्वायरी नहीं हो सकती थी, लाइक वो पॉसिबल ही नहीं था। सो शी डिसाइडेड कि क्यों ना CBI ऑफिस जाया जाए। तो इसने मुझे कॉल किया एंड मैंने कहा हाँ बिल्कुल आई एम विद यू, क्योंकि आप इतना अच्छा स्टेप उठा रहे हो, सो आई मस्ट हैव टू कम विद यू। तो हम CBI ऑफिस गए, वहाँ हम ऑफिस पहुँचे, एग्जैक्ट डेट हम बात कर रहे हैं 28 अप्रैल का ये डेट है जिस दिन हम CBI ऑफिस पहुँचे। एंड वो डोडा से आई थी, हाँ डोडा से वो 27 को आई थी, एंड एक दिन स्टे किया, एंड 28 को, क्योंकि लेट नाइट रोजे वगैरह चल रहे थे, सो 29 को हम, 28 को एग्जैक्टली CBI ऑफिस पहुँचे। वहाँ हमने पूरी बात कही, शेयर पूरी बात डिटेल शेयर की, हम SP सर से भी मिले, उनको भी ये पूरी चीज़ शेयर, बार पूरी बात जो भी है आपको मैंने बताया कि ऐसा ऐसा देर इज समन हु इज़ डिमांडिंग। तो वहाँ हम बैठे थोड़ी देर, तो फिर उसके बाद CBI ऑफिसर्स वगैरह सब आ गए, तो उन्होंने रिकॉर्डिंग थी, इवन इसके पास रिकॉर्डिंग भी थी कि जब वो डिमांड कर रहा था फॉर द मनी कि इतने लाख रुपए, कोई बोर्ड मेंबर जो सीनियर साहब हैं हमारे, वट एवर जो भी है, जिनके साथ मेरी बात हो गई है, हाँ सीट अवेलेबल है, तो पूरी बात हुई। एंड उस टाइम देखो CBI भी अपने एंड से काम करता है, एंड वो भी अब कॉल रिकॉर्डिंग तो कुछ भी टेप हो सकती है, कॉल कुछ भी हो सकता है, तो दे वांट कि वो सामने से प्रूफ था। उस टाइम उन्होंने पूरा एक, हमने एक सारी टीम आ गई, एंड ये सारी ट्रांसलेशन कश्मीरी लैंग्वेज में बात हुई थी, ट्रांसलेटर को भी बुलाया एंड सारी डिटेल वगैरह ट्रांसलेट की, हाँ वही बात थी जो उसने करप्शन की बात की थी, पैसे मांगे थे। तो फिर उसके बाद वो तो चलो हमारे पास रिकॉर्डिंग थी, उसके पास रिकॉर्डिंग थी, एंड बट नाउ वो चाहते थे कि उनका भी एक इंस्ट्रूमेंट होता है तो उसमें कॉल रिकॉर्ड वगैरह किया जाए, यानी कि क्लियर कट पता चल पाए कि हाँ। तो उसके बाद CBI ऑफिसर्स वगैरह बैठे थे एंड मैं भी वहीं पे था उस टाइम, तो हमने कॉल की, स्पीकर पे कॉल था, एंड अगेन उसको कॉल की, उसने बात की कि हाँ बिल्कुल तुम्हारे सिलेक्शन हो जाएगा, 3.5 लाख रुपये तुम रेडी रखो, एंड ये वो सिस्टम, पूरी बात उसने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया, एंड ये सारी चीज़ें स्पीकर मोड पे थी, एंड ये इंस्ट्रूमेंट में भी CBI की ऑफिस में ये रिकॉर्ड हुआ था। नाउ उसके बाद क्या होता है गाइज, देखो अब ये चीज़ हो गई पूरी, अब हमारे पास एक एविडेंस भी आ गया, हमारे पास तो ऑलरेडी था एविडेंस, बट अब CBI वालों के सामने भी ये एविडेंस क्लियर हो गया कि हाँ उसके सामने ही बात की, वो सारा मजरा हो गया। नाउ ये प्लान किया गया कि अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, क्योंकि वो लोग सारे ऑफिसर्स थे, जब उनसे सामने उन सबकी बात हुई, जब उन्होंने सुना कि हाँ कर रहा, तो उनको भी लगा कि हाँ ये तो कुछ है मजरा, कोई ना कोई मसला तो आई इसके पीछे, इसको लाइक करना पड़ेगा इन्वेस्टिगेट। देन इसके बाद ये डिसाइड हुआ कि अब देखो ये डोडा से आई हुई थी, एंड किसी भी इंडिविजुअल के पास, अब उसने कहा कि आज 28 है, एंड वो पर्सन को नहीं पता था कि वो आउट ऑफ स्टेशन है या जम्मू में है, ये तो ये चीज़ हाइड थी। उसने कहा कि चलो आप 30 को आइए, 30 तारीख को, 30 अप्रैल को आप पैसे दे दीजिए। इसने कहा कि चलो मेरे पास तो अभी इतना कैश अवेलेबल नहीं है, बट मैं 50,000 कैश प्लस 3 लाख रुपए का चेक आपको दे दूंगी। तो वो कहता नहीं पहले चेक नहीं, देन वो एग्री हो गया कि हाँ चलो 50,000 आप कैश दे देना एंड बाकी आप चेक दे देना। अब क्या था कि आप देखो अब आगे की कहानी क्या हुई कि अब 28 को थी, 28 को अब इसने 29 को वहां जाना था, एंड 30 को हमने लाइक CBI ने वहाँ आके उसको रेड हैंडेड पकड़ना था। अब क्या हुआ कि अब उसने 29 को जाना था, अगर
50,000 रुपीज़ एंड कैश प्लस चेक एक्चुअली होता गया कि सीबीआई वालों के पास, ऐसा नहीं था कि वहीं से सीबीआई कलेक्ट कर लेती वो पैसे पहले सीबीआई के पास जाने थे एंड कुछ इंक्स वगैरह रहती हैं जो भी उनका इंस्ट्रूमेंट रहता है, सो डैट कि वो उसको ट्रैक कर पाएँ, जो भी प्रोसेस लीगल प्रोसेस रहता है ये, यानी कि वो पैसा पहले सीबीआई के हाथ में होना चाहिए था, देन उसके बाद हैंड ओवर किया जाना था। उसके बिल्कुल काउंटिंग्स वगैरह प्रॉपर होती है, जो भी आप वो लीगल प्रोसेस होता है वो आपने, आपको नहीं क्या करना है उसका, वो तो चलो जो बात की बात है, बट ये था कि पैसा उन तक पहुंचाना था पहले, देन उसके बाद फिर हैंड ओवर करना था। अब इसने डोडा जाना था एंड तो मैंने उस टाइम कहा कि चलो कोई नहीं, 50,000 रुपीज़ का अरेंजमेंट करते हैं एंड चेक तो चलो फर्जी चेक ही होगा, आप उसको रेड हैंडेड पकड़ना है तो चेक ही रहेगा, मैं अपने नाम का चेक प्लस 50,000 रुपीज़ अरेंज करके, तो डोडा मतलब वो गर्ल को डोडा जाना था 29 को एंड मैंने 29 को वो कैश सीबीआई के हाथ हैंड ओवर करना था, सो डैट कि 30 को जब सीबीआई वाले वहाँ पे जाते डोडा जाते, तो उससे पहले उस गर्ल से मिल लेते एंड उसके बाद उसको पैसे देते, देन उसके बाद वो पूरा प्रोसेस करते। तो यही चीज़ डन हुई कि चलो अब ऐसा ही होगा। तो उसके बाद हम आ गए घर एंड शाम के 5-6 बजे थे एंड आपको एग्जैक्टली याद होगा फर्स्ट वीकेंड लॉकडाउन लगा था 28 अप्रैल को ही लगा था, आई थिंक उस दिन फ्राइडे था, आई थिंक थर्सडे था उस दिन, हाँ थर्सडे था एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, थर्सडे था आई थिंक। तो वीकेंड लॉकडाउन लग गया, यानी कि लॉकडाउन लग गया फ्राइडे से एंड मंडे तक का लॉकडाउन लग गया था। देन उसके बाद इवनिंग में कॉल आती है इसको सीबीआई के ऑफिस से कि अब तो फिलहाल लॉकडाउन लग गया है, तो अब तो पॉसिबल नहीं है हो पाना, क्योंकि लॉकडाउन लग चुका है तो अब हमारी टीम कैसे जाएगी वहाँ पे, तो आप एक काम कीजिए उसको बोलो 15 दिन का और हमें मोहलत दे दे, 15 दिन और दे दे कि ताकि हम 15 दिन बाद तुझे पैसे दे पाए एंड ताकि आप तब तक लॉकडाउन खुल जाए। अब देखो 15 दिन, अब ये तो था नहीं मेरा कोई, उसका कोई चाचा मामा तो था नहीं कि तू बोल दे कि 15 दिन, हालांकि वो करप्शन ले रहा है तो आप लोग जानते हो जो इस चीज़ में होता है, तो वो 1 दिन दे दे तो वो बड़ी बात होती, 15 दिन तो बहुत ज़्यादा थे। तो उसने कहा कि यार 15 दिन तो पॉसिबल नहीं है, 15 दिन मैं उसको बोलूंगी कैसे, एंड वो कंटिन्यूसली उस गर्ल को कॉल कर रहा था 2-3 दिन, बट इस कॉल नहीं रिसीव कर रही थी बिकॉज सीबीआई की तरफ से तो ये बात उन्होंने कही कि 15 दिन मांग लो, अब कर्फ्यू लग गया तो पॉसिबल नहीं है डोडा जा पाना। तो अब इसके बाद क्या होता है कि अब आप एक चीज़ यहाँ पे सोचिए कि 15 दिन, इज इट पॉसिबल कि 15 दिन सीबीआई अगर वो बंदा वेट करता तो, बट स्टिल वो बंदा इससे कंटिन्यूसली मैसेज वगैरह बात वगैरह करता रहा एंड वो जो बंदा था वो वहीं का जो भी डोडा का जो भी था वो बंदा इन्हीं के लोकेलिटी का था, तो समहाउ वो घर भी पहुंच गया, उसको किसी तरह पता भी चल गया कि ये सब माजरा हो रहा है, कि ये इसने शायद कंप्लेंट कर दी है, तो इसने कहा नहीं मैंने कोई कंप्लेंट वगैरह नहीं की है, तो बस ये माजरा चल रहा था। अब देखो मेन पॉइंट क्या है, अब सीबीआई फिर से कॉल किया गया, अब देखो लॉकडाउन तो अराउंड अब 20 दिन हो गए हैं लॉकडाउन का, अभी तो 1 महीना हो गया, लगभग 28 को लगा था तो कंटिन्यू ही है, आज 22 हो गए, लगभग 20-25 दिन हो गए लॉकडाउन के लगे हुए। तो फिर से हमने कॉल की, इसने कॉल की सीबीआई ऑफिस एसपी से, 1 दिन बाद हुई एसपी सर से बात हुई, 1-2 दिन बाद नहीं हुई, फिर उसके बाद कॉल हुई, उन्होंने कहा कि आप एक काम कीजिए आप रिजल्ट आने दीजिए, रिजल्ट का वेट कीजिए, रिजल्ट आ जाता है तो उसके बाद हम कुछ कार्रवाई करेंगे, हम अपना लीगल प्रोसेस जो भी हमारे इन्वेस्टिगेशन होगा हम रिजल्ट आने के बाद करेंगे। तो ये कहा सीबीआई ने एंड सीबीआई के ऑफिसर जो भी वहां से बात हुई इसकी, तो ये सारी रिकॉर्डिंग अवेलेबल है। तो अब इसके बाद क्या होता है कि अब वो जो पर्सन था इसके पास आया एंड उसको समहाउ पता भी चल गया कि ऐसा इन्होंने कुछ किया है एंड उसने ये चीज़ तक भी कही कि इसको कि अगर आपने अगर कुछ भी कंप्लेंट वगैरह की आपका, नहीं उसने ये बात कही कि आपका सिलेक्शन तो बिल्कुल नहीं होगा, आपका लिस्ट से मैंने नाम भी कटवा दिया, आपने मेरे खिलाफ कंप्लेंट भी की है मुझे सुनने में आया, आपका सिलेक्शन तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा, आपका लिस्ट मैंने नाम से कटवा दिया एंड 1-2 पर्सन और भी हैं इस लोकेलिटी में जिनका उसने सिलेक्शन करवाना था तो उनका नाम आ चुका है एंड अब आप कुछ भी नहीं कर सकते। ये वर्ड्स उसने, गर्ल ने मुझे बताया कि उस बंदे ने उनको ये बात कही, मेरी कॉल कॉल पे बात हुई कि ये वो कह रहा है कि आप लोग अब कुछ नहीं कर सकते, जो भी होना था बाप का तो सिलेक्शन नहीं हो पाएगा बट उसका सिलेक्शन हो जाएगा, उसका लिस्ट मैंने नाम कर दिया। अब देखो अब उसने कहा चलो ठीक है, ये मतलब एक डराने का तरीका भी हो सकता है। अब मुझे एक चीज़ यहाँ पे एक चीज़ समझनी है, आप इंडिविजुअली खुद सोचिए इस चीज़ को, जो अगर लेट्स थिंक कि वो बंदा फ्रॉड कर रहा है एंड उसका कोई कनेक्शन ही नहीं है किसी के साथ एंड
वो एक फ्रॉड कर रहा है, जैसे मैंने बताया ना 10 में से एक का सिलेक्शन हो गया तो पैसा आ गया। इन केस अगर वो किसी का सच में किसी का उसका किसी के साथ कनेक्शन है JKSSB में, अगर ऐसा होता है तो देखो, अब आप मुझे बताइए, जब करप्शन है, करप्शन में तो कुछ भी पॉसिबल है। अब ऐसा भी हो सकता है कि अगर वो जिस लड़की को इस लड़की को जिसका है कि एक दो बंदों का जहाँ जिनका एग्जाम भी नहीं सही हुआ है, अगर उन्होंने, और बेसी बात है, जिसका एग्जाम अच्छा नहीं हुआ वही करप्शन करवाएगा। अब आपका एग्जाम अच्छा हुआ, आपको पता है 80+ स्कोर के, तो आप पागल थोड़ी हैं जो आप जाके पैसा देंगे किसी को। और बेसी बात है, आप एक दो बंदों का जिसको, उस बंदे को भी पता है कि इस लड़की को भी पता है। अब देखो, जब करप्शन ही हो रहा है तो सारी चीज़ें करप्शन है, तो इसमें इट इज़ पॉसिबल कि OMR शीट चेंज हो जाए। एवरीथिंग इज पॉसिबल इन करप्शन, राइट? देखो, ऐसा भी हो सकता है अगर बाद में CBI रिजल्ट का वेट करे एंड हमारे पास एक एविडेंस हो। चलो, हमारे पास एविडेंस क्या होगा कि अगर वो चीज़ एविडेंस था कि उस जिसका भी करवाया, तो OMR शीट भी चेंज हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ये सब एक कुछ पॉइंट्स हैं जो पॉसिबल हैं अगर कहीं करप्शन होता है सिस्टम में। बाकी अब देखो, इसने ये चीज़, अब CBI रिजल्ट का वेट करवा रही थी एंड ये चीज़ कॉमन सी बात थी कि अगर जहाँ करप्शन हुआ है तो वहाँ कुछ भी हो सकता है जिसका सिलेक्शन करवाया जा रहा है। तो अगर आपको किसी पे शक है तो आप उसका, अगर अगर जो सिलेक्शन करवा रहा है वो भी तो कहीं ना कहीं, तो वो भी चीज़ तो इस नॉलेजेबल होगा ना कि किस तरीके से हम ट्रैप किया जा सकता है, वो OMR शीट भी चेंज करवा सकते हैं। देर आर लॉट ऑफ अदर ऑप्शन टू। बाकी आप लोग खुद समझ आ रहे हैं क्या होना चाहिए। अब ये चीज़ मीडिया में भी अपलोड हो चुकी है एंड मैं लिंक भी शेयर करूंगा, एंड अब होपफुली कि हम JK मीडियम में भी ये चीज़ उसको शेयर ज़रूर करेंगे। एंड जो भी रहेगा, प्रोसेस रहेगा, एटलीस्ट इंक्वायरी होनी चाहिए थी। एंड अगर आपको रेड हैंडेड, आई डोंट थिंक सो कि CBI के लिए कोई कर्फ्यू मैटर करता अगर आपको रेड हैंडेड पकड़ने का ऑप्शन मिल रहा है। सो यू मस्ट हैव टू टेक द स्टेप। बाकी चलो देखते हैं, लेट्स होप फॉर द गुड। अगर वो सच में कोई करप्टेड है, अगर वो कुछ भी वो इन्वॉल्व है, वो बंदा ऐसा कुछ करवा रहा, तो CBI मस्ट हैव टू टेक द एक्शन। अभी भी है एंड देर लॉट ऑफ अदर ऑप्शन। अगर सच में अगर वो किसी की, उसके साथ बात हो रही है, कॉल रिकॉर्डिंग, एंड देर लॉट ऑफ ऑप्शन, यू नो कितने ज़्यादा हमारे पास ऑप्शन आते हैं किसी को ट्रैक करने के लिए। बाकी देखते हैं अब क्या बनता है एंड लेट्स होप फॉर द गुड। एंड कुछ लोग काफ़ी कमेंट कर रहे थे उस लड़की के लिए कि नहीं, ये झूठ है। देखो, ये सब कुछ झूठ नहीं है, ये सब कुछ सच है। आई वॉज अ विटनेस देयर एंड लेट्स होप फॉर द गुड। एंड अगर करप्शन हुआ है तो विच इज़ नॉट टॉलरेबल एट ऑल, क्योंकि आपके साथ साथ हमने भी काफ़ी ज़्यादा मेहनत की आप लोगों के लिए। एंड ऐसा तो कभी पॉसिबल नहीं होगा कि हमारे सामने करप्शन हो रहा है, हम चीज़ को देखते रह जाएं। एंड आप लोगों के सामने भी, आपके सामने भी, अगर आप सल्यूट टू दैट गर्ल, की बींग ए गर्ल किसी को एक स्टेप उठाना, आप खुद इमेजिन कीजिए कि कितना पॉसिबल होता है किसी के साथ, सामने किसी को जानते हुए उसके अगेनेस्ट जाना एंड फॉर द राइट थिंग। इट इज़ नॉट ईजी फॉर स्पेशली फॉर ए गर्ल। सल्यूट टू द रेड गर्ल कि उसने ये स्टेप उठाया। बाकी आप लोग भी सपोर्ट कीजिए एंड लेट्स होप कि क्या बनता है एंड आगे क्या स्टेप उठाया जाता है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, एंड मिलते हैं फिर किसी और अपडेट के साथ।